चार गोलियां तो हटे गया हटे उधर बैठी है देखो लोग फोटो खींच रहे हैं मंच पर दे ब्राह्मण जी हटिए आपको मंच पर दे हटिए पीछे हटिए हमें देखने दीजिए आपके उम्मीदवार जो इस प्रेशर से वापस है ये और बहुत लंबे रास्ते से हम ऐसे मुद्दों को चलाने में लगे हुए हैं हम तो नए नए इसके मुकाबले में लेकिन ये तो बहुत लंबे रास्ते से जब मैं महाराष्ट्र में अपना सीख रहा था तब महाराष्ट्र में हम लोगों ने इनको देखा था और बहुत जल्द पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में ये महाराष्ट्र में इनको हमला करते थे इसलिए इनके बारे में ज्यादा कहना भी कोई जरूरी नहीं समझता हूँ आपके पुराने अम्बेडकरी नेता है और अम्बेडकरी विजन को हम देश में कामयाब बनाकर मन का वास्ता बोल पाला करना चाहते हैं उसके लिए आपके उम्मीदवार लंबे अस्त्र से लगे हैं और इस बार उनको पार्लियामेंट में पहुंचाना बड़ा जरूरी है इसलिए हम तो अपने तमाम मंचों पे अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि धन धरती शिक्षा सम्मान लेके रहेगा हर इंसान ये सिखाने वाले आदरणीय पारसनाथ महोदय जी मैं आज सौभाग्यशाली हूँ ये कह रहा हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राजनीति की शुरुआती तालीम आपसे मिली और अगर आपसे न मिली होती तो मैं भी इन्हीं लोगों के तरह होता जैसे कुशवाहा समाज में और नेता हैं मैं भी इन्हीं तरह बौड़म होता बौड़म मैं इनको कहता हूँ बेकार पूरे तो दुनिया भर में तुम्हारा संगठन है लेकिन जमीन पे कहीं कुछ नहीं अरे जमीन बाबू जी ने यही सिखाया है संगठन का मतलब जब हमें जिम्मेदारी दिया जिला अध्यक्ष की तथागत गौतम बुद्ध महासभा की यही बताया कि दुनिया मत कूदो एक कार्यक्रम मैंने लगवाया था आपको याद है बाजीपुर में आपको मुख्य अतिथि बुलाया था इतना मैंने बवाल मचाया मैंने कहा 5-7 हजार लोग आएंगे तो बाबू जी ने कहा 5-7 सौ आ जाए तो समझो बहुत आ जाए अरे हम गए इसे कहते और आए कुल 50 तब भी बाबू जी आके बोले इतने रह गए हम तो बड़ा डरे हुए थे कि पड़ेगी गांठ 5-7 हजार में 50 आ रहे उसी से ट्रेनिंग मिली कि कैसे लोग जुटते आज जो मैं 50,000 की भीड़ जुटा लेता हूँ वो उसी का हिस्सा है ये सच है कि जो भीड़ मैंने जुटा ली वो बाबू जी खुद कार्यक्रम करके कभी नहीं जुटाया आपने शायद देखा होगा हमने देखा था बाबू जी मैं दिखाता हूँ ये बधाई में वही है जनवरी को अब देखिए और इसमें एक भी कुर्सी नहीं लगी सबसे लगे बात ही कुर्सी थी कोई कुर्सी नहीं लगी ये कोई कुर्सी नहीं लगी कहीं कुर्सी नहीं बड़ी बड़े लोग फर्रा गए हमारी भीड़ देखते अमर सिंह जी समर्थन में रोनी की थी अमर सिंह फर्रा गए जितनी भीड़ वोट नहीं मिला लेकिन ये है भीड़ बहुत और एक भी कुर्सी नहीं लगी क्योंकि हमें मालूम था भीड़ कितनी आनी थी हमें कुर्सी नहीं लगी कुर्सी लगवा देते तो सब बाहर मजमा लग जाता है एक अरे पूरा पूरा ग्राउंड भरा था कहीं एक गाड़ी भी नहीं अंदर घुस ये हमारी खाली 4-5 गाड़ियां जो हमारे पास फ्लीट की आई थी गाड़ियां वही खड़ी है बाकी कोई गाड़ी अंदर आने नहीं दिए गेट सारे लॉक कर दिए गए थे खाली पैदल सारे गेट लॉक बहुत भीड़ थी 50,000 आप गिन सकते हो ओरिजिनल जिसे आप 1 लाख कहो 2 लाख कहो कुछ एक जगह मैंने खड़ा करवाया पर होता तो लाखों गिना जाता लाखों तो है हम भी तो लाखों गिनते हैं लेकिन अभी आपसे आपके सामने बात कर रहे हैं अभी एक एक जलूस सुमन जी ने किया था हाँ यही जलूस देखिए जौरा में प्रत्याशी बुलवा रहे थे उसका जरूर अभी जो 2000 भीड़ देखो कई किलोमीटर तक भीड़ थी ये तो हमारे यहाँ कोई कैमरा प्रोफेशनल है नहीं और ना कोई वो है
कुल मिला के जो भीड़ हमने जुटाई, ये सच है कि उसका बेस आपने तैयार किया था, आपने बताया कि कैसे आदमी जुटता है, और बहुत लोग नहीं जुटते, जितना तुम प्रयास करोगे उतना जुटेंगे, और जब तक तो कुछ उन्हें मिलता हुआ नहीं दिखेगा नहीं जुटेंगे। तो ये सच है कि जो बेसिक चीजें थी वो आपकी सिखाई हुई है, वो ठीक है कि उसमें हमने अपना कुछ ना कुछ मिलाया, और उसमें कुछ ना कुछ आदमी अपना मिलाता है। अम्बेडकर महासभा में आपके पिताजी हमारे गुरु बैठ के वहीं दिन रात काम करते थे और सबके लिए दौड़ते रहते थे। मैं भी कोई नेता नहीं था, मैं तो आपके अपने यहाँ एक काम कराने आया था, अपने भाई की नौकरी का ट्रांसफर कराने आया था। और आने के बाद मैं तो एक सीधा साधा आदमी था, मुझे क्या पता राजनीति क्या होती। बाबू जी को देखा राम के खिलाफ गरियाते हुए, फलाने को गरियाते हुए, हमें बड़ा बुरा लगता था यार, ये कहाँ फंसा दिए यार सब लोग हमें। तो क्या नाम था मीरपुर का प्रधान, बुलई राम मौर्या जी लेके आए थे पहली बार हमें। हम कहे यार कहाँ फंसा दिए भाई साहब, कहाँ हमें ले जाकर सत्यानाश करवा रहे, धर्म भ्रष्ट करवा। लेकिन जब बाद में समझ में आया, बातें समझ में, नगर पालिका में झगड़ा हो गया आपके बोलते समय, वो भाजपा वाले सोहनलाल मौर्या वगैरह मार जय श्री राम जैसे, हम कहे यार कहाँ ये बवाल में फंस गया। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, सत्य यही है जो ये बात हो रही है। हाँ थोड़ी कड़ी बात हो रही है, थोड़ी नरमी से होनी चाहिए, मैंने उसमें थोड़ी नरमी बरती, इनको समझाया। आपको तो आपसे बात करने की हिम्मत तो पड़ती नहीं कि आपको समझाऊं, इन्हें समझाया कि बाबू जी थोड़ा नरम बात रखो। हम कह रहे हिंदुओं में जो वेद के हिसाब से हिंदुत्व है, वो वेद के हिसाब से ही, मैं तो उस पर हमला करता हूँ और वो बड़ा सा ठीक बैठ जाता है। वेद के हिसाब से हिंदुत्व ये है कि जो कर्म है वही आपका वर्ण है, तो जो जो पढ़ने लिखने काम का गया वो ब्राह्मण, इसीलिए चाणक्य जो है वो ब्राह्मण लोग पंडित कहते हैं, लेकिन पंडित माने वो शाक्यवंशी थे, ये जाति वाले ब्राह्मण नहीं थे, कर्म वाले। तो जो कर्म ब्राह्मण जो कर्म करे वो उसका वर्ण, जो राजपाट किया इसीलिए सम्राट अशोक महान क्षत्रिय कहते हैं, जो पढ़ने लिखने काम किया वो ब्राह्मण, जो युद्ध लड़े वो क्षत्रिय राजपाट करे, और जो व्यापार करे वो बस, और जो सेवा काम करे सुद। तो आज जो शुक्ला जी तिवारी जी का बेटा नाली साफ करने की नौकरी कर रहा है तो सूत्र होना चाहिए उनसे, और जो अखिलेश यादव मायावती राजपाट कर रहे हैं तो उन्हें क्षत्रिय कहा जाना चाहिए ना। और चाहे आप हो और चाहे मैं, समाज को हम लोग जगा रहे पढ़ा रहे, तो हम लोग तो गुरु हुए ना, तो हम पंडित हुए विद्वान। तो ये बात दिमाग में कब आई, जब आप दारुल सफा में एक मौलाना जी आपसे मिले, मैं उस समय आपके साथ था, तो आपने कहा कि क्या पंडित जी क्या हाल है, तो वो बड़क गए, हम पंडित जी नहीं है यार, आप हमें जानते हो तब भी बुजुर्ग थे आपके समय, तो उन्होंने कहा अरे आप जानते हो हमें तब भी पंडित जी कर मौलाना, खैर फिर भी पंडित जी क्या हाल है। तो आप भी बड़ा चक्कर में पंडित जी क्यों करें, हम दाढ़ी बाड़ी रखे हैं, मौलाना है दिख रहा हो काबिर है। तो आपने कहा कि भाई देखो दो ही चीज होता है, पंडित माने ज्ञानी, और बाकी अगर आप नहीं हो तो मूर्ख हो, पंडित माने विद्वान, तो आप अगर पंडित नहीं हो तो माने मूर्ख हो, मूर्ख जी कहें आपको, ये बात आपने कही। अब उसको मैंने अपने हिसाब से जोड़ा, कही आपने तो बात तो आ गई दिमाग में, और जब आ गई तो हमने उसे अपने हिसाब से जोड़ा, उसे हम आज अपने हिसाब से मंच पर रखते हैं। लेकिन है बेसिक वही, वो कहानी बेसिक है, वो घटना आदमी अपने हिसाब से चीजों को उठाता है। नहीं देव भाषा पर इसका में ये था पाठ था, अच्छा अध्याय था जी, वो पंडिता नाम साधु नाम मूर्खा नाम, पंडिता नाम साधु नाम मूर्खा नाम, मूर्खा नाम जी। तो मूर्ख तो जो है भी उसको भी नहीं कहा जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, फिर सीख ली जाती है। सही है। और साधु माने जो हर्षी प्रपंच से हर जाए तो वो जो है साधु होगा, या जंगल में रहे या तो बिल्कुल समाज से अलग रहे,
खाली खाने के लिए चलाया हुआ है, भले कहीं कुछ मांग जाए के खा ले। सही बात। लेकिन पंडित माने तो ज्ञानी हो गया ना, पंडित माने विद्वान, विद्वान पंडित माने सभी पंडित थोड़ा हो जाए जो विद्वान है पंडित। पंडित का नाम साधु नाम मूर्खा नाम। लेकिन यहाँ तो शुक्ला जी तिवारी जी एक अक्षर पढ़े नो कुछ ना भोपू भोपू पढ़े वो पंडित जी है और केशव देव मौर्य सूत्र है। इसीलिए हम सबको समझा दे। नहीं तो आप जब वो बात कहते थे ना पंडित जी, तो जब कोई कुछ कहता था तो आप कहते थे का कहे मूर्ख जी कहे, ये बात दिमाग में बैठ गई हमारी और ये बैठ गई। तो हमने उसे फिर वेद वेद पे लाके उसे रिसर्च किया कि वेद में तो ये बात थी। और ब्रह्मा जी को इसलिए बदनाम किया गया कि ये आज के जो ब्राह्मण है वो नहीं चाहते थे ब्रह्मा जी आमे, इसीलिए मंदिर नहीं उनका बनाया। अब एक बात बताइए कि चलो ठीक ये बात सच भी है अगर ये रहा हो तो, वो तो पंडित थे ना, तो करीब पुष्यमित्र सुंग के कब्जा होने के बाद, कब्जा राज करने के बाद, बृहद्रथ के हत्या के बाद हजार साल तो तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसे मिटा क्यों नहीं दिया? किताब में लिखे क्यों मगर क्यों शूद्रों को पढ़ाया, क्यों ब्रह्मा जी गाली दिलवाया? इसलिए दिलवाया कि वो जो ब्रह्मा जी हैं वो कोई ऋषि मुनि रहे होंगे, वो शायद हो सकता है कि वो वाले रहे हों जो ज्ञानी पंडित थे। वो किसी वंश के हो सकते हैं, वो मौर्य वंश के हो सकते हैं, वो शाक्य वंश के हो सकते हैं, पाल वंश के हो सकते हैं। उनको अपमानित उनको बदनाम करने के लिए, जिससे उनकी तरफ कोई न जाए। अगर ब्रह्मा की तरफ कोई गया तो वेद की तरफ जाएगा, तो वेद की तरफ जब जाएगा, जब वेद ये सही कह रहे हैं हम तो आज तक जुड़े ही नहीं कि कृष्ण को भी जो बदनाम किया गया, चरित्रहीन बताया गया, राजा का बेटा क्या जरूर खुले आम चरित्र कहीं यज्ञ नहीं कराया। हाँ वही यज्ञ रोका, गीता एक काम किया, गीता लिखा, जो गीता में जो आज ब्राह्मणवाद है उसका विरोध है। गीता पढ़िए तो विरोध है। चलिए अब भी निकलिए गुरु जी, हम भी निकल रहे हैं, आप आराम करिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे, आपका आशीर्वाद मिले, बहुत अच्छा।